हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आपके लिए लेकर आए हैं पुनः ये थर्ड पार्ट है जूलॉजी का। मैंने टारगेट रखा था 120 क्वेश्चंस का, तो ये 75 से स्टार्ट है। आज बात करेंगे और पूरे 120 क्वेश्चन जितना भी 120 तक जाएंगे, उसके बाद आपको बॉटनी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है इसमें पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें एनवीएस में भी आए हुए हैं और आपके केवीएस में भी इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं, और इसमें पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हैं। सिर्फ जूलॉजी सेक्शन है और विद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में होता क्या है कि आपको वो कॉन्सेप्ट परमानेंट क्लियर हो जाता है, तो इसलिए हमने ऐसा मटेरियल चुना आपके लिए जिसमें डिस्क्रिप्शन हो, तो पूरा का पूरा आपका जो आगे और पीछे का जो मटेरियल है। वैसे क्या होता है, किसी ने आपने बता दिया कि भाई ए का ये सही, बी सही है, सी सही, तो आप समझ नहीं पाते कैसे सही है, तो इसने वो पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जिससे वो क्वेश्चन ना भूलें और एग्जाम में त्रुटि ना करें। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये द सर्टेन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कोगुलेशन, यानी रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है, तो आप सब जानते हैं वो कैल्शियम है। ये प्रोथ्रोम्बिन से जब थ्रोम्बिन बनती है तब हमें कैल्शियम आयन की आवश्यकता पड़ती है, और थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का काम क्या है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे जालनुमा संरचना बन जाती है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पोडोसाइट्स आर, तो पोडोसाइट्स क्या हैं, तो ये हम आपको बता दें कि जो पोडोसाइट्स पाई जाती हैं वो एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमेन कैप्सूल्स। ये क्या होती हैं, पोडोसाइट्स बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर लाइंड ए स्क्वामस एपिथेलियम विच फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड पोडोसाइट। ये ऑब्जेक्टिव जूलॉजी एस के शर्मा की जो बुक आती है जूलॉजी की, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट बिकॉज, तो इसका तो सिंपल सी बात है, ये इमल्सीकरण करता है फैट का बाइल। तो बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, और ये किसमें, बाइल जो बाइल्स का पाउच होता है उसमें ये इकट्ठा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट इन ह्यूमन बींग आर, वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो टेस्ट के लिए, यानी स्वाद के लिए संबंधित है या स्वाद संबंधी कार्य करती है। तो इसमें जो क्रेनियल नर्व दिया हुआ है, तो कौन से दिया हुआ है, यानी सेवेंथ, नाइन्थ, और तो सेवेंथ और नाइन्थ है, तो इसमें से दिया हुआ सेवेंथ क्रेनियल नर्व कॉल्ड फेसियल डिस्ट्रीब्यूट टू द प्लेट टंग स्लेवरी ग्लैंड्स एंड टेस्ट बर्ड्स। क्रेनियल नर्व नाइन्थ कॉल्ड द ग्लासोफेरेंजियल डिस्ट्रीब्यूट टू द टंग स्लेवरी ग्लैंड। तो यहां हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नर्व क्या काम करती है, तो जो क्रेनियल नर्व कॉल्ड द ऑल्फैक्ट्री एसोसिएटेड विद द स्मेल, जो ऑल्फैक्ट्री होती है वो स्मेल संबंधित है। क्रेनियल नर्व कॉल्ड ऑप्टिक एसोसिएटेड विद द रेटिना ऑफ आई, ये जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व की बात करें, ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जो ऑल्फैक्ट्री एसोसिएटेड होती है। सेकेंड क्रेनियल नर्व जो होती है वो ऑप्टिक होती है, और उसका काम होता है रेटिना की आई से जुड़े रहना, मतलब आई की रेटिना से जुड़े रहना। थर्ड जो क्रेनियल नर्व है, तो क्रेनियल नर्व थर्ड कॉल्ड ऑकुलोमोटर एसोसिएटेड विद द फोर मसल्स ऑफ आई बाल, जो आंख की चार मसल्स होती हैं जो घुमाने में आपको मदद करती हैं, वो तो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। जो फोर्थ है क्रेनियल नर्व काल द ट्रोक्लियर एसोसिएटेड विद द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, क्या होता है, जो फोर्थ होती है वो ट्रोक्लियर वो बोलते हैं एसोसिएट विद द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, और जो नाइन्थ है क्रेनियल नर्व कॉल्ड द स्पाइनल एसेसरी एसोसिएटेड विद द फेरिंग्स लैरिंग्स नेक एंड शोल्डर, और जो ट्वेल्व होती है क्रेनियल नर्व कॉल्ड द हाइपोग्लोसल एसोसिएटेड विद द नेक एंड टंग। तो ये क्रेनियल नर्व से, इनको एक कॉपी में आप नोट कर लेंगे और चार से छह बार अगर इसको एक बार दो चार दिन अगर इसको आप लगातार देख लेंगे तो ये आपकी तैयार हो जाएंगी कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन काम करती है, और ये सबसे परेशान करने वाले क्वेश्चन है। इफ
ए चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए बी एंड हिज फादर ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट बी द ब्लड ग्रुप इज मदर, मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर पिता का ओ है और बच्चे का ए बी है। तो यहां जो उसने दिखाया हुआ है ये ए बी दिया हुआ है, तो उसने रिजल्ट में क्या दिया हुआ, डी। चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए बी, फादर ब्लड ग्रुप ओ, मदर ब्लड ग्रुप, तो उसने पूछा हुआ तो उसने कहा कि जो रिजल्ट आएगा वो ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ मदर होगा, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा। एंजाइम लूसी फ्रेज, लूसी फ्रेज एंजाइम किस में पाया जाता, तो लूसी फ्रेज एंजाइम का काम होता है रात में चमक को उत्पन्न करना। तो इसका काम क्या होता है, एक टू द सबस्ट्रेट टू कॉज द बायोल्यूमिनेसेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मालपिगिन ट्यूब्यूल्स आर मेंट फॉर, तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं मेंट फॉर, तो ऑप्शन इसका संबंधित है एक्सक्रीशन से। CO2 इज मोस्टली कैराइड बाय द ब्लड फ्रॉम द, तो ये जो बाइकार्बोनेट के रूप में निकलती है। लीवर परफॉर्म द सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन इज, तो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द हार्मोन्स, तो वो जो संबंधित रहता है वो पाइलोरिक जो होता है वो गैस्ट्रिन। साइटोक्रोम आर, तो साइटोक्रोम आयरन संबंधित एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स, ये इसका स्ट्रक्चर से आयरन होता है, ये आप स्ट्रक्चर पूरा देख लीजिएगा। और केलिन गेव द नेम ऑफ साइटोक्रोम 1925, तो ये आप नोट कर सकती हैं केलिन ने साइटोक्रोम पहली बार नाम दिया था। 98% हीमोग्लोबिन फाउंड इन एडल्ट ह्यूमंस बताएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 98% हीमोग्लोबिन फाउंड इन द एडल्ट, तो HbA कंटेन, यानी ये वाला है हीमोग्लोबिन, HbA कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा चेन फाउंड इन 98 एडल्ट ह्यूमन, ध्यान रखिएगा HbA जो है हीमोग्लोबिन ए है वो 98% एडल्ट में पाई जाती है, तो वो कंटेन रहती है उसमें जो चेन्स पाई जाती हैं 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। HbA2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स, HbT कंटेन टू द 2 अल्फा 2 गामा फाउंड 2% ऑफ पॉपुलेशन, तो ये भी बहुत है कि सबसे कम किस में पाई जाती है या कौन सबसे कम पाई जाती है, तो HbT जो होती है। चलिए मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट कंटेन, तो एक तो उसमें बता दें कि उसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, तो ये आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस का, तो नाइदर डीएनए नॉर आरएनए। मैन गेट्स किल्ड बाय साइनाइड बिकॉज इफेक्ट द फंक्शन, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है ये क्या करता है, ये A3 को बोलते हैं, जो साइटोक्रोम A3 होता है, आप रेस्पिरेशन चेन में जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो वहां का जो क्रम था मुझे जो याद आ रहा है बी था, और शायद B2 था या बी था, ऐसे करके लास्ट में A3 आता है, तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो A3 आता है वो उसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, जो साइनाइड से वो प्रभावित होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये बी ऑप्शन गलत है। एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसका काम है लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉलोइंग आयन इज ए कोफैक्टर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो इसमें कौन कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कोफैक्टर का काम करता है, तो वो आयरन है जो कोफैक्टर काम करता है। व्हाट इज द
व्हाट इज द नेट गेन एटीपी मॉलिक्यूल व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड, तो उसमें टू मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ बहुत ही गड़बड़ आंसर क्वेश्चंस होते हैं, हम अगर हमें भी लगाने को बोला जाता तो हम भी कितने लगाते अब बताओ। तो यहाँ अक्सर ऑप्शन घुमा कर दे देते हैं, वैसे टू निकलते हैं, मगर जब आप देखेंगे NADP H2 निकलते हैं तो वो भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। एटीपी प्रो डायरेक्टली फोर मॉलिक्यूल, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं, तो नेट गेन जो एटीपी, तो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इसने नेट गेन दिया हुआ शब्द। If spleen removed in platelet count will, तो उसमें platelet क्या हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा increase। चलिए next देख लेते हैं। Which are the phagocytes in liver, तो वो होती हैं कुफर cells जो होती हैं, वो phagocyte liver काम करती हैं। Out of the ancestral plan of six pair of aortic arches, only three pair persist in adult amphibia, they are, तो इसका ऑप्शन ये सही है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इन केस ऑफ एम्फीबिया aortic arch present 3, 4, 5, 6 is, इन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल 3, 4, 6 आर प्रेजेंट। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज ए सेंसरी ऑर्गन फाउंड इन द, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा इंटरनल ईयर ऑफ मैमल्स। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हियरिंग ऑर्गन फाउंड इन द इंटरनल ऑफ ईयर ऑफ मैमल, जैक ऑप्शन ऑर्गन फाउंड इन द नसल ट्रैक्ट। लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये तो सब जानते हैं, टेस्टीज में पाई जाती हैं। इंटरनल ईयर इज फिल्ड बाय, तो इंडोलिम से फिल्ड रहता है, तो ये सही है। अब क्वार्टेट एम्ब्रियोलॉजी को, तो क्लेडोइक एग आर प्रेजेंट इन, तो ये जो क्लेडोइक एग होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये बर्ड्स में पाया जाता है। विच आर द फॉलोइंग फेटल मेम्ब्रेन फंक्शन द एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, तो वो कौन सा होता है, तो वो एलेंटोइस। तो ये बहुत क्वेश्चन पीजीटी में आता है भाई, यूपी पीजीटी में तो इस तरह रखे रहते हैं। देयर आर फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, लिख लीजिएगा एमनियोन कोरियोन योक्सैक और एलेंटोइस। तो इसमें से एलेंटोइस एक्ट एज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूपी पीजीटी 2019 में क्वेश्चन शायद आया था कि एलेंटोइस है वो यूरिनरी ब्लैडर काम करता है, एकुमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज, जो एम्ब्रियो नाइट्रोजन वेस्टेज निकालता है। योक्सैक का काम है हीमोपोइटिक ऑर्गन्स के रूप में, जैसे लीवर काम करता है वैसा काम करता है। एमनियोन और कोरियोन का काम है कि एक्वेरियम की तरह काम करता है, ये भ्रूण की रक्षा करता है बाहरी आघातों से। तो लिख लीजिएगा द ओसाइट्स ऑन द ब्रैंकियो स्टोमा आर सेड टू बी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो द एग ऑफ द ब्रैंकियो स्टोमा आर द माइक्रोलिसाइथल टाइप ऑफ कॉल्ड ओलिगोलिसाइथल एग। तो ये हमारा आएगा कि ब्रैंकियो स्टोमा का जो ओसाइट्स होता है वो क्या होता है, तो ओलिगोलिसाइथल होता है, चूंकि माइक्रो होता है, माइक्रो का दूसरा नाम ओलिगो होता है, तो ऑप्शन ये सही होगा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें नहीं पाया जाता, तो वो हमारे हिसाब से चिक में होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, हाँ सही है सी। ये हमें वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेंगे। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन काउ, तो काउ में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो सेंट डेस्मो कोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है हमें। देयर आर फाइव टाइप प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए हमारे अब वीडियो पे जाइएगा, हमारे आइकन को क्लिक करिएगा, जो डॉक्टर नोट्स का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। उन प्लेलिस्ट में एक एम्ब्रियोलॉजी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के 4 से 5 वीडियो पड़े हैं 10 मिनट के, अगर उनको देख लेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आए वो छोड़कर आप नहीं आएंगे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के। तो ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एपी जो
एपीथिलियो कोरियल प्लेसेंटा होता है ये पिगोडार्स में, सेंडेस्मो कोरियल जो प्लेसेंटा होता है फाउंड इन रूमिनेंट जुगाली करने वाले जंतुओं में पाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंडोथिलियल और कोरियल जो होता है डॉग बियर कैट में, हीमोकोरियल जो होता है प्राइमेट्स में, और हीमो एंडोथिलियल जो होता है रेट रैबिट और गाइन पिग में देखने को मिलता है। हैंसन्स नोड आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, तो ये हैंसन नोड 2019 में पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हैंसन नोड्स इज फॉर्म, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, हैंसन नोड था, तो नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, तो ये हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। वहां पूछा था हैंसन नोड्स कितने घंटे बाद बनती है, शायद ऐसा क्वेश्चन था। हैंसन नोड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बर्ड गैस्ट्रुलेशन ओनली एंड अब्सेंट इन अदर, केवल बर्ड्स में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। हैंसन नोड्स जो होते हैं बर्ड्स में पाई जाती है। इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ चिक द मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक, इन विच फेज ऑफ कॉग्नेसिस ऑफ फ्रॉग माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड इज फाउंड, तो वो कब होता है, तो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेज में। एलिसाइथल एग आर फाउंड इन, तो एलिसाइथल जो एग होते हैं वो हमें मैमल्स में देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिबिटेड बाय द, तो आप बताएगा, तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन इज ऑलवेज, तो वो कैसी होती है, तो बताएगा आप, तो नॉन साइक्लिक होती है। एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज द बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, तो कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। एडैफिक फैक्टर रिलेटेड टू, तो एडैफिक फैक्टर जो रिलेटेड होते हैं वो सॉइल से संबंधित है। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन द कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एज इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर इन इंडिया इज, तो वो कौन सा था, कार्बेट नेशनल पार्क था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी की। फ्रॉम एंथ्रिया आसामा इज ऑप्टेंड, तो बताइएगा, तो मूंगा सिल्क निकलता है, क्या निकलता है, मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क ऑप्टेन इन द एंथेरिया असामा, इट बिलोंग टू द फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड, तो वो जो संबंधित होती है वो स्टिफलिंग से संबंधित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नैक, तो ये तो अक्सर पाइथन देते हैं, क्या देते हैं, तो इसमें तो चूंकि जो होगा वो कौन सा होगा, जिमेनिस होगा, जिमेनिस काल द दूध मुहुआ, ये याद रखिएगा। देखिए पाइथन तो दिया रहता खट से हम लोग लगा देते हैं, मगर जिमेनिस जो है जिसे दुमुही के नाम से जानते हैं तो वो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नॉट फूड फिश इन यूपी, इनमें कौन सी फिश है जो यूपी में नहीं है, तो ए नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस्ट ऑफ पैडी, तो पैडी का पेस्ट कौन सा है, तो लेपिडो कोरिसा है, कौन सा है, लेपिडो कोरिसा जो है वो है। कौन सा है, लेप्टोकोरिसा, लेप्टोकोरिसा कार्ड राइस गंधी बक्स, तो इसको लिख लीजिएगा, लेप्टो जो कोरिसा है, लेपिडोकोरिसा को गंधी बक्स के।